बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, घरों में सेफ होंगे। ओके क्लास टू, आज हम यूनिट नंबर थ्री स्टार्ट करेंगे और ये हमारा है यूनिट नंबर थ्री का लेक्चर नंबर वन। ठीक है, यूनिट नंबर थ्री का लेक्चर नंबर वन। यूनिट नंबर थ्री हमारा है प्लांट वर्ल्ड, द प्लांट वर्ल्ड। हमने यूनिट नंबर टू में एनिमल्स वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था, यानी जानवरों की दुनिया के बारे में, जानवरों को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है साइंटिस्ट ने, हमने वो पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्लांट वर्ल्ड के बारे में। ये लेक्चर नंबर वन है आपका यूनिट नंबर थ्री का। इसमें हम पौधों की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे कि पौधे जो हैं वो क्या खाते हैं, कैसे बड़े बड़े होते हैं, उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, पौधे हमारे लिए कैसे ज़रूरी हैं। एनिमल्स आर नॉट द ओनली लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। आपको पता है कि सिर्फ जानवर ही ऐसे जानदार नहीं हैं जो कि ज़मीन पर रहते हैं। प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। प्लांट्स जो हैं वो भी लिविंग थिंग्स ही हैं। प्लांट्स जस्ट लाइक एनिमल्स नीड वाटर। प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है जैसे कि जानवरों को ज़रूरत होती है। प्लांट्स नीड फूड जस्ट एज एनिमल्स नीड फूड। प्लांट्स को खाने की भी ज़रूरत होती है जैसे कि एक जानवर को ज़रूरत होती है। एंड जस्ट एज देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, देयर आर मैनी मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। और जिस तरह आपको पता है कि अलग अलग तरह के जानवर होते हैं, उसी तरीके से बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के प्लांट्स भी पाए जाते हैं इस ज़मीन पर। ठीक है, ओके, नाउ आप लोग मुझे बताइए कि आपका फेवरेट प्लांट कौन सा है। ठीक है, आई लव ईटिंग एप्पल्स। ये जो है ना, ये सुपर साइंटिस्ट ये अपने बारे में बता रहे हैं कि उसे एप्पल खाना बहुत पसंद है। दे टेस्ट सो गुड, उसका टेस्ट उसे बहुत पसंद है। सो आई थिंक एप्पल ट्रीज़ आर माई फेवरेट प्लांट। तो उसने कहा कि आई थिंक एप्पल ट्री मेरा फेवरेट प्लांट है। आप लोगों को इस क्लास टू कौन सा पसंद है, प्लांट कौन सा पसंद है आप लोगों को, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मे बी माई फेवरेट इज़ दिस ट्री, या फिर वो कह रहा है कि मेरा फेवरेट ये ट्री है क्योंकि इसके पत्तों से साया मिलता है सूरज में। जब हम धूप में होते हैं तो हम अगर इस दरख्त के नीचे जाके खड़े हो जाए ना, तो हम सूरज की गर्मी से बच सकते हैं। पता है ना आप लोग को, ये देखें कितना घना दरख्त है ये। द लीव शेड मी फ्रॉम द सन। इसके पत्ते क्या कर रहे हैं कि उसे साया दे रहे हैं सूरज से। ठीक है, और परहैप्स दिस इज़ माई फेवरेट प्लांट। वो कह रहा है कि शायद ये वाला मेरा फेवरेट प्लांट हो सकता है। इट इज़ सो कलरफुल। देखें कितने कलरफुल प्लांट्स लगे हुए हैं और इन इसमें से इतनी फ्रेग्रेंस आती है। आपको पता है ना, फ्लावर्स जो हैं वो बहुत खुशबूदार भी होते हैं। ठीक है, द फ्लावर्स आर सो ब्यूटीफुल। फ्लावर्स इसके बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ठीक है, इट्स सो हार्ड टू चूज़ अ फेवरेट। तो वो सोच रहा है, वो कह रहा है कि यार मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि हम जो हैं वो अपना फेवरेट प्लांट चूज़ कर सकें। ठीक है, विच प्लांट डू यू लाइक बेस्ट। आप लोगों को कौन सा प्लांट ज़्यादा पसंद है, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, आपने अपनी नोटबुक पे ये काम करना है क्लास टू। आपने बताना है कि आपको कौन सा प्लांट पसंद है, उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है, राइट डाउन योर रीज़न वाई। आपने बताना है कि क्यों पसंद है आपको। शायद उस आपको कोई फ्रूट प्लांट भी हो सकता है, मे बी वो कोई फ्लावर प्लांट भी हो सकता है। ठीक है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट प्लांट। आपने अपने फेवरेट प्लांट्स की पिक्चर ड्रॉ करनी है। ओके क्लास टू, ओके, ये लेक्चर नंबर वन था जो हमारे यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट हम प्लांट्स के बारे में लेक्चर नंबर टू में स्टडी करेंगे। ठीक है क्लास टू, थैंक यू सो मच।